कांग्रेस ने मनाया बाबा साहब का जन्मदिन। बरेली जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर कांग्रेसियों ने डॉ भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। कमेटी के अध्यक्ष रामवदेव पांडेय ने नेतृत्व में कार्यक्रम का संचालन किया गया। इस दौरान आईसीसी सदस्य प्रेम प्रकाश अग्रवाल व नवाब मुजाही दीन ने कहा कि देश की तरक्की और सद्भाव के लिए वो थिसत्व डॉ भीमराव अंबेडकर के व्यक्तित्व व कृतित्व से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में कांग्रेस का सहयोग करे। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की, बिना कांग्रेस की मजबूरी देश की एकता व अखंडता बरकरार रखना कठिन है। इसके बाद बाबा साहिब की मूर्ति पर माल्यार्पण कर नमन किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रेम प्रकाश अग्रवाल, नवाब मुजाहिद्दीन हसन खां, रहीम अहमद अंसारी, पूर्व मंत्री उत्तराखंड पम रविंद्र मिश्रा, सुरेंद्र मिश्रा, फुरकान अली मत्सर अली, डॉ नीतू शर्मा, पम राम अवतार शर्मा, प्रभात गिरी गोस्वामी सहित तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी कार्यकर्ताओं ने बाबा साहिब को नमन कर कार्यक्रम का समापन किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जयंती के मौके पर हम लोग सब मिलके जो है ये प्रेरणा लेते हैं और अपने संविधान, इस वक्त हमारा संविधान के ऊपर एक तरीके से जो है वो आँच आने के अंदेशा है, तो हम सब लोगों ने जो है मिलके ये संकल्प लिया है कि किसी भी तरह हमको संविधान को बचाना है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की जयंती के मौके पर यही बात। पहले मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहूँगी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 198वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में। और आज ज़रूरत है सबसे पहले संविधान को बचाने की, देश को बचाने की और समाज को बचाने की। जो कुर्बानियाँ हमारे बाबा साहब ने दी हैं और उन्हें जो संविधान बनाया है उसको हमें बचाना है। और जो मौजूदा सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था पर जो हमला कर रही है, उसको छीन रही है, उसको बचाना है, संविधान को बचाना है। जय हिंद, जय भारत। आज जिला कांग्रेस कमेटी बरेली द्वारा आदरणीय बोध सत्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती श्रद्धापूर्वक और उल्लासपूर्ण ढंग से मनाई गई। इस जयंती का जो कार्यक्रम है वो मारिया लाज में नवाब मुजाहिद हसन खां हमारे आईसीसी सदस्य हैं उनके प्रांगण में आयोजित किया गया। इस अवसर पर गोष्ठी में आदरणीय बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रेरणा लेकर देश के नवनिर्माण के लिए, देश में सांप्रदायिक एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए, सद्भाव बनाए रखने के लिए सभी कांग्रेसजनों से और आम जनता से ये अपील की गई है कि देश में सद्भाव बनाए रखने के लिए सभी लोग बाबा साहब के जीवन से प्रेरणा लें और राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करें।